जय हिंद साथियों, सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो लड़के आर्मी के रिजल्ट के बारे में और कुछ जानकारी चाह रहे थे और पूछ रहे थे कि 88 वाले का सिलेक्शन हो पाएगा, या आप कितने क्वेश्चन बता रहे थे कि आप हाँ कितने क्वेश्चन की ज़रूरत है, और कितने हमारे अगर फिजिकल में नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको गलत लगे या सही लगे, एक-एक बात का मैं आपको एक-एक बात का और एक-एक सही तरीके से बताऊंगा दोस्तों। और आप लोग एक चीज़ पे विश्वास ज़रूर किया करें दोस्तों, मैं जो चीज़ लेके आता हूँ वो खोज के छानबीन कर किसी से पता कर कर तब मैं बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, और वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों, अब बात आए मेरिट की, कितने पे मेरिट जाएगी, तो मैं सारी चीज़ पर बात बताऊंगा, बस आप वीडियो बने रहिए, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्त। चलो चलते हैं, आपका बगैर समय गंवाए चलते हैं अपनी बातों पर। सबसे पहले दोस्तों, जिस लड़के के पिछली बार सिलेक्शन हुआ है, जिन लड़कों का, और जिन लड़कों का इस बार सिलेक्शन होगा, उसमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? दोस्तों, एक ही अंतर है कि उनका जो पेपर हुआ था वो रनिंग के बाद हुआ था, और इस बार जो पेपर हुआ था वो रनिंग से पहले हुआ था। दोस्तों, इसको लेके मैं यही बताऊंगा कि अपने जो भी आपके क्वेश्चन या आपके फिजिकल के नंबर कितने हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने में पूरा सही है। दोस्तों, जो पिछले वाले लड़के थे उनका किसी लड़के के 30 क्वेश्चन थे, और किसी के 35 क्वेश्चन थे, और किसी के 40 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, उन लड़कों के जो जो भी क्वेश्चन थे, उन्होंने अपना जो जितने लड़कों से मैंने पूछा और जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ, तो सबसे मैंने पूछा तो कोई बता रहा था दोस्तों कि मेरे 35 क्वेश्चन ठीक थे, कोई कह रहा था दोस्तों पेपर में मेरे 30 क्वेश्चन ठीक थे, और कोई दोस्तों कहीं कि एक लड़के ने कहा कि सर मेरे क्वेश्चन 28 थे और फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर यही बात बताऊं कि अगर आपके 28 से लेकर और आपके 35 तक क्वेश्चन पेपर में अगर ठीक हैं, तो आप पेपर का स्कोर आपने सही तरीका से और अच्छे तरीका से किया है। और दोस्तों, जो और आप कह रहे थे कि फिजिकल में क्या ऐसा रहेगा, दोस्तों आपको थोड़ा ही चाहे बुरा लगे तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका फिजिकल में अगर आपका 88 नंबर का फिजिकल है और आप 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप करके आए हैं, तो आपका सिलेक्शन फाइनल है, आपको कोई ही नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। और जिन लड़कों के 28 क्वेश्चन ठीक है और उनका 100 नंबर का फिजिकल है, तो उसे भी कोई नहीं रोकने वाला है। दोस्तों, ऐसा ही पहले मैंने सुना था कि उसके 28 क्वेश्चन सही थे और 100 नंबर का फिजिकल था, और इसी कारणवश उनका जो सिलेक्शन हो गया, और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग पर छुट्टी पर भी आए, और फिर मैंने दोबारा भी पूछा है, तब मैंने आपको ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट जो आप किसी के बारे में पूछना चाहेंगे, तो मैं नेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। और आपके जो भी फाइनल मेरिट है वो दोस्तों 140 और 150 के मध्य ही आपकी फाइनल मेरिट रहेगी। आप कितने भी कोई भी क्वेश्चन बताए, कुछ भी बताए दोस्तों, जिस व्यक्ति के क्वेश्चन 135 से नंबर और 140 के बीच जिसके नंबर बन रहे हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन आर्मी में होगा, ठीक है दोस्तों। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं उसमें ही बताऊंगा सारी चीज़। मैंने पूरी जानकारी लेके आपको बता दी है। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके जाएं, और भी कोई जानकारी है वो भी मैं रिजल्ट के बारे में लेके आऊँगा एक वीडियो और फिर मैं आपको, मैंने ये भी बता दिया कि आपका रिजल्ट है जो कब आने वाला है, कब नहीं, वो मैंने बता दिया कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट, और सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट घोषित होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, और सब लोग सही रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और नो टेंशन रहिए, ठीक है दोस्तों।
जय हिंद।